नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राज्यसभा चुनाव की महाराष्ट्र सीटों पर होने वाले मतदान में बहुजन विकास आघाड़ी की बढ़ गई अहमियत। महाविकास आघाड़ी और बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आमदार हितेंद्र ठाकुर से की मुलाकात, अपने पक्ष में वोट करने का किया अनुरोध। कल 10 जून को होगा चुनाव, बहुजन विकास आघाड़ी के 3 वोट कहां पड़ेंगे, सबकी लगी है निगाहें। क्षेत्रीय पार्टियों में दूसरी पार्टी के मुकाबले बहुजन विकास आघाड़ी 3 विधायकों वाली है सबसे बड़ी पार्टी। वोट देने कैसे जाएंगे विधायक गण, कार से पहुंचेंगे मुंबई या लोकल ट्रेन से तय करेंगे सफर? पत्रकारों के सवाल पर बेबाकी से बोले आमदार हितेंद्र ठाकुर। राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने के मुद्दे पर राज्य के छोटे दलों ने उसकी बाहें मरोड़नी शुरू कर दिए। दूसरी ओर आघाड़ी के 3 दल अपने अपने विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है। इन 6 सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए राज्यसभा चुनाव में 24 साल बाद मतदान कराने की नौबत आई है। विधायक संख्या के हिसाब से शिवसेना, कांग्रेस और राकपा के एक एक तथा भाजपा के 2 उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन 6वीं सीट के लिए भाजपा और शिवसेना दोनों ने एक एक अतिरिक्त उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। यह 6वीं सीट जीतने के लिए भाजपा को अपनी क्षमता से 13 और शिवसेना को उसकी क्षमता से 16 अधिक विधायकों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह कमी छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों से ही पूरी होनी है। इसलिए क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय विधायकों को पौबारा हो गई है। पालघर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर काबिज बहुजन विकास आघाड़ी की इस राज्यसभा चुनाव में अहमियत काफी बढ़ गई है। एक तरफ शिवसेना के साथ ही महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार बहुजन विकास आघाड़ी नेता हितेंद्र ठाकुर से मुलाकात कर अपने प्रत्याशी को वोट देने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी बहुजन विकास आघाड़ी के संपर्क में बनी है। कल होने वाले चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी के 3 विधायक पर दोनों पार्टी की निगाहें टिकी है। इस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना दोनों पार्टियां बहुजन विकास आघाड़ी से उम्मीदें लगाए बैठी है, तो वहीं बहुजन विकास आघाड़ी खुद दुविधा में है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों से बहुजन विकास आघाड़ी के रिश्ते अच्छे हैं। पिछले लंबे समय से बहुजन विकास आघाड़ी सत्ताधारी पार्टी को समर्थन देते आई है, वह बहुजन विकास आघाड़ी की अपनी पॉलिसी है। लेकिन बात करें सामान्य रिलेशन की, तो बहुजन विकास आघाड़ी के रिश्ते शिवसेना की अपेक्षा भाजपा से ज्यादा मजबूत है। सूत्रों की माने तो बहुजन विकास आघाड़ी ने सरकार को समर्थन भी सिर्फ राकपा और कांग्रेस से बेहतर ताल्लुकात होने के कारण दिया हुआ है। शिवसेना से बहुजन विकास आघाड़ी के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं बताए जाते हैं। खैर, जो भी हो, कल इस चुनाव में वोट डालने के बाद आखिर सभी पत्ते खुल ही जाएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। पक्षाचे नेते, अरे पवार साहेब बोलले, उद्धवजी बोलले, आले ना असं कसं काय म्हणता येईल तुम्हाला? आणि जे उमेदवार आहेत ते आले, काही खासदार भेटले, मला माजी मंत्री भेटले, ठीक आहे ना, ते आले सर्वोच्च नेत्याचे प्रत्येक मताकरता म्हणजे ही अपेक्षा चुकीची असते। 4 वाजेपर्यंत मतदान असते, आपल्याला 9 ते 4 टायमिंग दिलाय, आम्हाला इकडून पोचायला 2.5-3 तास लागतात, लक्षात आलं की नाही? आणि मी काय मुंबईमध्ये राहिलेलो नाही मिळत, मी विरारमध्येच आहे, त्यामुळे 4 अगोदर मी पोहोचेल ना। मी त्या हिशोबाने हे करेल ना, ट्रॅफिक असली काय मी त्या हिशोबाने म्हणजे साधारणतः तेवढा मार्जिन टाइम ठेवेल। आणि 4 वाजेपर्यंत वोटिंग आहे, त्याच्यामुळे मला काही चिंता नाही, 4 वाजेपर्यंत जाऊ शकतो मी। ट्रेननी जाणार की बायका असं गाडी बघू, उद्याला ट्रेननी पण जाऊ शकतो ना, हल्ली त्या एसी ट्रेन आहेत, चांगल्या आहेत, फास्ट अगदी, त्यामुळे कदाचित ट्रेननी पण ठीक आहे ना, आम्ही तिघे एकत्रितपणे विचार करून जाऊ त्याप्रमाणे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।